हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज क्विक लॉ कॉन्सेप्ट में आप सबका आज का टॉपिक है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस। रेस सब जुडाइस इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीजर लॉ और जो कि सेक्शन 10 में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 10 में इम्बॉडीड है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो इज ऑल अबाउट सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट। इज बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन है प्रोसीजर लॉ का, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल जिस पे इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड एस्टैब्लिश है। पर उससे पहले, ये प्रिंसिपल को जानने से पहले थोड़ा जान लेते हैं कि व्हाट इज सिविल प्रोसीजर कोड। तो इट इज एन एग्जेक्टिव लॉ, दैट इज प्रोसीजर लॉ। इट नीदर क्रिएट्स नॉर टेक्स अवे एनी राइट। इट मीन्स ये कोई सब्सटेंसिव राइट क्रिएट नहीं करता। ये लॉ आपके अंदर आप कोई लीगल राइट आपके अंदर नहीं देता। इट जस्ट सिंपल प्रोसीजर लॉ कि किसी सिविल केस में कैसे प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए उसके रूल्स दिए हुए हैं। इट इज इंटेंडेड टू रेगुलेट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई सिविल कोड। प्रोसीजर लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच ऑर्गेनाइजेज एंड रेगुलेट द प्रोसीडिंग इन ए डिस्प्यूट। प्रोसीजर लॉ वो लॉ है जो ये वो सारे रूल्स इकट्ठा किए हैं इस सिविल प्रोसीजर कोड में, जिससे कि एक सिविल प्रोसीडिंग को, जो सिविल प्रोसीडिंग में एक सूट में एक जो प्रोसीजर फॉलो होता है उस कैसे फॉलो होना चाहिए। हर चीज का एक नियम और एक तरीका, एक रूल होता है ना। जैसे क्रिमिनल के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बताया गया है कि कैसे एक क्रिमिनल केस को जुडिशियल इंक्वायरी, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, कैसे ट्रायल कैसे लेना चाहिए, वैसे ही सिविल सूट्स के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर रूल्स दिए गए हैं। प्रोसीजर लॉ यही होता है। प्रोसीजर लॉ में कोई वो आपको ये लॉ, ये ब्रांच जो है लॉ की, वो आपको कोई राइट नहीं देती। आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है आपके अंदर राइट देता है, आईपीसी है आपके अंदर राइट देती है, अदर सब्जेक्ट आपके अंदर राइट देते हैं आपको कि आप इन राइट पे बेस्ड केस फाइल कर सकते हैं। अगर ये राइट आपके हैम्पर्ड हुए तो आप जाके कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कि ये मेरा लीगल राइट था और इसने मेरा लीगल राइट इंफ्रिंज किया और मैं केस, भले वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, तो जो प्रोसीजर लॉ होता है जो आपके राइट इन्फ्रिंज हुआ, आपको जस्टिस कैसे मिलेगी, वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे, ये सारे एक कोर्ट का एक सिस्टम है, प्रोसेस है, हर सिविल सूट को फॉलो करने का प्रोसीजर है, उसको रेगुलेट करते हैं, इनके रूल्स हैं, आपको इस रूल्स पे चलना पड़ेगा, इन्हीं रूल पे चल के आपको जस्टिस मिलेगी, कोर्ट को फॉलो करनी होती है। सिविल प्रोसीजर कोड जो है इन्हें ऑर्गेनाइज फॉर्म स्टार्टेड इन 1859, उससे पहले भी थे ये रूल्स, तो पहले भी थे उससे, पर वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं थे। कहीं पे कुछ रूल लगते थे, कहीं कुछ, इससे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो जो इनका ऑर्गेनाइज फॉर्म स्टार्ट हुआ वो 1859 से स्टार्ट हुआ और जो एक्ट था सिविल प्रोसीजर कोड 1908 वो बना और इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 1909। द लास्ट मेजर अमेंडमेंट हैपेंड इन सिविल प्रोसीजर कोड 1908 इज इन 1st July 2002। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड नागालैंड अदर ट्राइबल स्टेट, पर एक्सेप्ट फ्यू ट्राइबल स्टेट सब पे एप्लीकेबल है। और ये कोड फॉरेनर को भी एग्जेम्प्ट नहीं करती है, उन पे भी एप्लीकेबल। अगर वो इंडिया में केस चल रहा है तो इंडिया में कोई सूट चल रही है तो उन पे यही प्रोसीजर फॉलो होगी, ना कि दूसरी प्रोसीजर फॉलो होगी। उनके कंट्री की कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होगी, हमारी कंट्री में जो चल रहा है चलता है वही प्रोसीजर फॉलो होगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ कोड इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेट। मतलब जब इंडियन प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड 1900 का मेन मोटिव यही था कि जो लॉ पहले से वहां पे है, पहले से मौजूद है हमारी सोसाइटी में सिविल प्रोसीजर को लेके, कैसे एक सिविल सूट में फॉलो करना चाहिए, उन्हें कंपाइल करते हैं और जो सही नहीं है, इनकंसिस्टेंट है या जो खराब हो गए हैं, जो पुराने हो गए, ऑब्सोलेट हो गए, उन्हें हटा के उन्हें अमेंड करके एक प्रॉपर कोड बनाया जाए जो यूनिफॉर्म हो, यूनिवर्सल हो इंडिया में एप्लीकेबल के लिए। द कोड इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन ऑपरेशन। इसका ये मतलब होता है कि 1908 से पहले, 1908 से पहले जो भी केसेस चल रहे थे उन पे जो उस वक्त के रूल एप्लीकेबल थे वही फॉलो होंगे। जो ऑपरेशन है ये स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 1909 से और उनके बाद जो केस इंस्टीट्यूट होंगे, फाइल सूट होगी, जो सूट फाइल होंगी
उन पे सिविल प्रोसीजर कोड एप्लीकेबल होगा, उनसे पहले जो भी केस थे उन पे नहीं होगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव है, मतलब आने वाले समय में जो केसेस आएंगे इस एक्ट के फॉर्म, इस कोड के फॉर्म होने के बाद वो उन पे एप्लीकेबल होगा, उन पे पहले जो केस चल रहे हैं पेंडिंग है उन पे नहीं, वो जो पहले से प्रोसीजर फॉलो उन्हीं पे फॉलो होगा। ठीक है, अब ये जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो डिवाइड टू पार्ट्स में डिवाइड है। बॉडी ऑफ द कोड जो सेक्शन, जिसमें 158 सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है सिविल प्रोसीजर कोड की हमारी कंट्री के, एंड रूल्स 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं शेड्यूल वन में। द बॉडी कंटेन्स प्रोविजन ऑफ सब्सटेंटिव नेचर विच ले डाउन द जनरल प्रिंसिपल एंड क्रिएट जुरिडिक्शन। अभी समझ में आया, जो रेस्ट सब्जुडाइज है वो एक प्रिंसिपल है जो इसमें जो 158 सेक्शंस में दिए हुए हैं, जिसपे सिविल प्रोसीजर कोड एस्टैब्लिश है, जनरल प्रिंसिपल और जुरिडिक्शन क्रिएट करता है वो कुछ प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन है जो उन्होंने अपने क्लॉज सिविल प्रोसीजर कोड में अपनाया कि ये जरूरी है एक सिविल सूट में, और जुरिडिक्शन क्रिएट उस पर बेस करके उन्होंने जुरिडिक्शन क्रिएट की है। जो सेक्शन से वो सिविल कोर्ट्स को जुरिडिक्शन कैसे डिवाइड होता है, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू मैटर, कहाँ क्या है, ये सारी चीजें सेक्शन क्रिएट करता है। तो ये बहुत फंडामेंटल है। और जो रूल्स हैं दे कंटेन्स प्रोविजन विच रिलेट टू प्रोसीजर एंड इंडिकेट द मोड इन विच जुरिडिक्शन क्रिएटेड ए बॉडी ऑफ द कोर्ट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड। ये और जो रूल्स हैं वो प्रोविजन, उनके अंदर वो प्रोविजन दिए हुए हैं कैसे जो सेक्शंस ने जुरिडिक्शन क्रिएट किया, एक सब्सटेंसिव चीज क्रिएट किया ना, कि कोर्ट की जुरिडिक्शन जुडिशन कई तरह की जो पिक्यूनरी होती है, टेरिटोरियल होती है, सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है जुडिशन के। तो जो ये सारे जुडिशन क्रिएट किए इन सेक्शन ने कैसे जब केस सूट फाइल होगा उनके कोर्ट में, तो कैसे वो फॉलो करेंगे, कैसे प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे जस्टिस तक जाने के लिए। समझ में आ गया होगा कि सेक्शंस और रूल पे क्या अंतर है। जब भी रूल्स जो है इनकंसिस्टेंट होते हैं सेक्शन से, बॉडी ऑफ कोर्ट मतलब सेक्शन से और रूल्स, अगर दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो अगर नहीं उसके हिसाब से है, तो हमेशा प्रोविजन प्रिवेल करेंगे, रूल्स नहीं करेंगे प्रिवेल। सेक्शन से वो फंडामेंटल है, वो उसे हम नहीं कर सकते, रूल्स के लिए उन्हें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, रूल्स वो बदलते रहते, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर लॉ है, वो बदलते ही रहेंगे। पर जो सेक्शन है उन्होंने तो कुछ सब्सटेंशियल क्रिएट किया है ना, उसे नहीं करना है हमें। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो रूल्स ही दबेंगे, ना कि सेक्शन दबेंगे। सेक्शन इज फंडामेंटल तो इट कैन नॉट बी अमेंडेड एक्सेप्ट बाय द लेजिस्लेचर, व्हाइल रूल कैन बी अमेंडेड बाय द हाई कोर्ट। तो सेक्शन वो सिर्फ लेजिस्लेचर का वो कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, नया ला सकते हैं, बदल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, तो वो पार्लियामेंट करेगा। पर जो रूल्स है वो हाई कोर्ट करते हैं, किसी भी स्टेट के रूल्स जो है, अगर उनसे रूल बदलनी है तो हाई कोर्ट को पावर होती है, वो चेंज कर सकते हैं। तो अंदर समझ में आपको आ रहा होगा कि सेक्शन और रूल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए, आपको मैंने ये समझा दिया कि रफ आइडिया दे दिया कि सिविल प्रोसीजर कोड क्या है। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट सब्जुडाइज का क्या मतलब होता है। रेस्ट मीन्स थिंग एंड सब्जुडाइज मीन्स थिंग्स अंडर द कंसिडरेशन अंडर द जज। सब्जुडाइज का मतलब होता है अंडर द जज, जो अभी कंसिडरेशन में है, जो चल रहा है, पेंडिंग है। रेस्ट मतलब थिंग्स में आप बहुत चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं, मैटर इन इश्यू सब चीज़ में कर सकते हैं। तो ये डॉक्ट्रिन है जो बहुत जगह एप्लीकेबल होता है, और ये डॉक्ट्रिन को सेक्शन 10 में सीपीसी के सिविल प्रोसीजर कोड, मैं सीपीसी बोलती हूँ आपसे, मैं वही बोलूँगी, तो सीपीसी के सेक्शन 10 में इस प्रिंसिपल को डाला गया है। और जब हम पढ़ते हैं सेक्शन 10 तो कहता है स्टे ऑफ सूट, ऐसे डिपिक किया हमारे बेयर एक्ट में। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं और बता दूँ आपको कि जो प्रोसीजर लॉ होते हैं ना, उनकी बेयर एक्ट कहते हैं ना कि बाइबल, गीता, कुरान सब है, तो बेयर एक्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। बाकी चीज़ें आप एक बार समझ लीजिए तो वो बहुत मुश्किल नहीं क्रिएट करती है, पर बेयर एक्ट आप रेगुलर पढ़ा करें। जिनका भी जो भी लॉ कॉडिफाइड है उनके बेयर एक्ट आपके पास है, वो आपको उंगलियों पे होने चाहिए, क्योंकि बेयर एक्ट सब कुछ। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, लॉ का क्वेश्चन बिना सेक्शन के, बिना आर्टिकल के आप नहीं लिख सकते। तो जो और काफ़ी सफिशियंट है वो बेयर एक्ट लिखने के लिए, प्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लिखने के लिए। तो बेयर एक्ट आपको रटे होने चाहिए,
और वो एक दिन में नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली रिवीजन करना पड़ेगा अपने हिसाब से। हर किसी पे एक फॉर्मूला नहीं लगता कि मैंने ऐसे किया तो तुम भी ऐसे कर लो, तुम्हारा भी तुम्हें भी याद हो जाएगा। हर इंसान का अपना एक तरीका होता है याद करने का, पर रिवीजन इज द की, रिवीजन करते रहिए। बेयर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी दिया हो बेयर एक्ट अच्छी तरीके से पढ़ें। चलिए अपने टॉपिक पे रिज्यूम करते हैं। स्टे ऑफ सूट क्या कहता है ये सेक्शन? नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इज इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू इन ए प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी वन ऑफ देम क्लेम लिटिगेशन अंडर द सेम टाइटल वेयर सच सूट इज पेंडिंग इन सेम और एनी कोर्ट इन इंडिया हैविंग ज्यूरिडिक्शन टू ग्रांट रिलीफ क्लेम्ड और इन एनी कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश और कंटिन्यूड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग लाइक ज्यूरिडिक्शन और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। क्या कहता है ये सेक्शन? सेक्शन ये कहता है जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल जो सेक्शन के अंदर वो ये कहती है कि कोई भी कोर्ट ट्रायल ऑफ एनी सूट वो नहीं करेगा जिस जो भी ट्रायल उनके सामने जो केस फाइल हुआ सूट फाइल हुआ उसके ट्रायल को वो प्रोसीड नहीं करेगा अगर उसे ये पता है कि जो मैटर इन इशू है जो इस सब्सिक्वेंट सूट में वो डायरेक्टली एंड सब्सटैंशली इन इशू प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट में है। कोई उसी मैटर उसी टॉपिक पे उसी मैटर पे उसी इशू पे पहले से ही एक सूट ऑलरेडी फाइल है बिटवीन द सेम पार्टी। सेम पार्टी का मतलब कैपेसिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, बिटवीन द सेम पार्टी और एनी वन क्लेमिंग अंडर देम, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चीज़ें हो सकती हैं, एंड क्लेम लिटिगेशन इन द सेम टाइटल। टाइटल भी सेम होना चाहिए, जैसे टाइटल भी सेम, अगर ये सूट में आप किसी और टाइटल से किसी और कैपेसिटी से केस फाइल किया, दूसरे में आपने किसी और टाइटल और क्लेम कैपेसिटी से फाइल किया है तो उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है रेफर ड्राइव, पर टाइटल भी सेम होना चाहिए और वो पेंडिंग होनी चाहिए, पेंडिंग होनी चाहिए, डिसाइडेड नहीं होनी। डिसाइड होगा ये तो फिर वहाँ पर रेस जुडिकेटर का डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटर एप्लीकेबल होगा, जो सेक्शन 11 में दी हुई है। वो क्या कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटर, वो ये कहता है कि अगर किसी केस को कोर्ट ने कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइन सुन के प्रॉपर सुन के डिसाइड कर दिया है और जजमेंट दे दी है तो उस पर दोबारा केस फाइल नहीं होगा, पर वो सेक्शन 11 में दिया गया है, वो दूसरी डॉक्ट्रिन है रेस जुडिकेटा, हम पढ़ रहे हैं रेस सब्जुडाइस। तो वो पेंडिंग है और सेम कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब जिस कोर्ट में आपने दूसरे सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया है उसी में पेंडिंग है, या किसी और कोर्ट में इंडिया के किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है जो और जिनके पास ज्यूरिडिक्शन है कि वो दे सकते हैं उस केस में रिलीफ दे सकते हैं, या फिर कोई भी कोर्ट जो इंडिया के बियॉन्ड पर गवर्न बाई कंटिन्यूड बाई कंट्रोल्ड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और अगर किसी और इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है तो सब्सिक्वेंट सूट नहीं डिसाइड किया जाएगा जब तक कि प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट डिसाइड नहीं हो जाता है। इट अप्लाइज टू सूट ओनली विच इंक्लूड अपील बट नॉट टू एप्लीकेशन एंड कंप्लेंट। जो डॉक्ट्रिन ने सब रेस्टिट्यूटाइज सेक्शन 10 में दिया है वो सूट्स पे अप्लीकेबल है सिर्फ, और सूट मींस अपील, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है और अपील जाना था तो ये उन पे भी एप्लीकेबल है, पर जो हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं कंप्लेंट फाइल करते हैं इन बिटवीन एंट्री और इंटरलोकेटरी जो भी फाइल करते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है रेफ्यूडाइज, आप कर सकते हैं वो अगर एक पेंडिंग और एक पेंडिंग और आपने प्रीवियस और आपको कुछ प्रॉब्लम है और आपको कोई एक एप्लीकेशन फाइल करनी है कंप्लेंट फाइल करनी है उस पर ये एप्लीकेबल नहीं है, सूट्स पे एप्लीकेबल है विच इंक्लूड अपील। There is no bar on the power of Indian court to try a subsequently instituted suit if the previously instituted suit is pending in a foreign court. अगर जो हमारे इंडियन कोर्ट है उन पे उनकी पावर पे कोई बार नहीं है, मतलब उन्हें कोई रोक टोक नहीं है कि आप नहीं कर सकते, अगर कोई सेम चीज कोई मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू इन फॉरेन कोर्ट में हो, सेम चीज अगर वो फॉरेन कोर्ट में कोई प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड केस है जो फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है तब इंडिया की कोर्ट्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बार नहीं है, वो आराम से उन्हें डिसाइड कर सकते हैं, उनके लिए वो एग्जिस्टेंस ही नहीं होती है, मतलब उनके लिए वो फ्रेश शूट माना जाता है ना कि नहीं पहले से प्रीवियसली पेंडिंग, वो पेंडिंग फिर नहीं होता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन
10 is to avoid the frivolous litigation and thus save the judicial system from the wastage of time and money of the state and the litigant. Section 10 gives the meaning to doctrine of res judicata, and it is a precondition for the enforcement of this doctrine. So, kya matlab hai? The object of section 10 is to avoid the frivolous litigation. Frivolous hai ki jo bahut jo faltu mein litigation file kar di gayi hai, jisa koi matlab nahi hai. कोई मिनी नहीं, गंभीरता नहीं, चलिए एक केस चल रहा है, दूसरा केस चल रहा है, ये साइमल्टेनियसली पैरेलल लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए ये सेक्शन में ये डॉक्ट्रिन को किया गया कि अगर इस केस में भी दो तीन एक ही मैटर पे, एक ही इशू पे, सेम चीज में, सेम कैपेसिटी में, सेम टाइटल पे दो तीन केस साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, तो कॉन्क्रेंट और ज्यूरिडिक्शन जो होती है कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, और कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए, कोर्ट का टाइम बचाने के लिए, उनके पैसे, अब एक ही चीज पे तीन केसेस चलेंगे और सेम चीज डिसाइड होनी है, तो कोर्ट का समय भी जा रहा है, स्टेट का पैसा भी जा रहा है, लिटिगेंट का भी पैसा जा रहा है. तो इसे रोकने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि जो जबरदस्ती के केसेस फाइल किए गए हैं, या गलती में कह लीजिए, या जानबूझ के कह लीजिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिटिगेशन को बचाने के लिए इस सेक्शन को इसमें डाला गया है. और जब भी मैं बता रही थी आपको कि रेस जुडिकेटा जो फाइनल हो जाने पे किसी केस के यूज किया जाता है, सेक्शन 11 भी है, ये उसके लिए प्री कंडीशन है. मैं नेक्स्ट जब बताऊंगी आपको सेक्शन 11 के बारे में, रेस जुडिकेटा जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो मैं आपको क्लियर करूंगी कि क्या डिफरेंस था दोनों में. अभी तो ये प्री कंडीशन देता है उनको, ये उसमें भी सेम चीजें होती है, पर उसमें केसेस डिसाइड हो जाते हैं. जब एक बार केसेस डिसाइड जाते हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो उसमें उनको करने का राइट नहीं है, दोबारा उसी सेम सब्जेक्ट में मैटर पे केस लाने का राइट नहीं है. और रेस्ट विडाइज इसके लिए प्री कंडीशन तैयार करता है. सेक्शन 10 डज नॉट बार द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट बट ओनली बार द ट्रायल. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेक्शन 10 है, सूट बार नहीं करता कि अगर कोई प्रीवियसली पेंडिंग सूट है और आपको कोई दूसरे सब्सिक्वेंट सूट फाइल करनी है तो आप नहीं कर सकते. आप कर सकते हैं, आप करिए, उस पर कोई बार नहीं है, बट उसका ट्रायल नहीं होगा, कोर्ट उसको प्रोसीड नहीं करेगी जब तक कि जो पहला प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट है वो डिसाइड नहीं हो जाता. तब तक कोर्ट जो है आपके केस को आगे बढ़ाएगी नहीं, तब तक आपके केस को वो रोक देगी. द सब्सिक्वेंट सूट देयरफॉर कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाई द कोर्ट बट इज रिक्वायर्ड टू बी स्टेड और पोस्टपोन. इसका यही मतलब होता है कि आपका राइट कहीं भी हैम्पर नहीं हुआ कि आपका कोई प्रॉब्लम है, मैटर है, इश्यू है और आप सूट फाइल नहीं कर. आप कर सकते हैं सूट फाइल, करिए सूट फाइल, पर जब तक पेंडिंग प्रीवियसली सूट जो पेंडिंग है तो सब्सिक्वेंट सूट की ट्रायल नहीं होगा, वो वहाँ पे कोर्ट उसे पोस्टपोन कर दे, डिसमिस नहीं करेगी कि आप प्रीवियसली स्टूडेंट सूट है, सेम मैटर पे है, सब कुछ सेम है, तो हम डिसमिस कर दे रहे हैं आपका केस. ऐसा कुछ सूट ऐसा कर नहीं करेगी कोर्ट, बस वो पोस्टपोन कर देगी, स्टे कर देगी कि देखते हैं पहले वाले जो प्रीवियसली स्टूडेंट सूट है उसका रिजल्ट क्या आता है, और अगर उनको सही लगा नहीं लगा उस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे, पर जस्ट पोस्टपोन कर देते हैं, स्टे कर देते हैं. द वर्ड मैटर इन इशू मीन्स इंटायर मैटर इन कॉन्ट्रोवर्सी इन द सूट. सिर्फ ये नहीं कि ओवरलैपिंग, द फैक्ट दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रीवियस सूट इज ओवरलैपिंग विद द सब्सिक्वेंट सूट विल नॉट अट्रैक्ट द सेक्शन. ओवरलैपिंग नहीं होनी, बस ओवरलैपिंग है कि कुछ मैटर जो है इसमें आ गए हैं, कुछ मैटर जो उसमें आ गए हैं, ऐसे नहीं होगा. पूरा मैटर कॉन्ट्रोवर्सी में जो पैसे प्रीवियसली इंस्टीट्यूट सूट में है, सब्सिक्वेंट इंस्टीट्यूट सूट में भी वही मैटर पूरा होना चाहिए. जैसे कि एक एग्जाम्पल लीजिए, वेयर द अर्लियर सूट वॉज फॉर रिकवरी ऑफ रेंट फॉर सर्टेन पीरियड एंड द सब्सिक्वेंट सूट इज फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स एंड फॉर इजेक्टमेंट द मैटर इन इशू इन द टू सूट वुड नॉट बी डीम्ड टू बी द सेम एंड सेक्शन 10 वुड नॉट अप्लाई. इसका क्या मतलब है? अगर किसी एक जो पहला इंस्टीट्यूट सूट है, जो पहले जो सूट फाइल किया, वो रेंट के लिए, रिकवरी ऑफ रेंट के लिए फाइल किया फॉर सर्टेन पीरियड यहाँ से यहाँ, और जो दूसरा फाइल किया था वो सब्सिक्वेंट पीरियड का, जिसने जो पहले वाले केस में सब्सिक्वेंट कुछ सर्टेन पीरियड के लिए उन्होंने रेंट मांगा था रिकवरी, जो दूसरा सूट था वो उसके बाद के पीरियड के लिए उन्होंने फाइल किया था और इजेक्टमेंट के लिए किया था. तो इस केस में क्या हुआ कि इसमें क्या किया कि कहा गया कि ये दोनों में मैटर इन इश्यू सेम है ही नहीं,
वो तो रेंट की बात है, थोड़ा मोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है कि हाँ पहला भी सूट उसी प्रॉपर्टी के रेंट के लिए था पर वो सर्टेन पीरियड के लिए था, और दूसरा भी रेंट के लिए था पर इजेक्टमेंट के लिए भी था और सब्सिक्वेंट ईयर के लिए था। तो इसमें दोनों का सब्जेक्ट मैटर जो है, मैटर इन इशू जो है, मेन जो रेस है वो जो है सेम नहीं है, वो अलग अलग है, तो इसमें सेक्शन एप्लीकेबल होगा भी नहीं। द मैटर ऑफ डिटर्मिनेशन अंडर सेक्शन 10 इज नॉट व्हाट द बेसिस ऑफ क्लेम इन टू सूट्स इज बट व्हाट इज मैटर इन इशू इन द टू सूट। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो डिटर्मिनेशन सेक्शन 10 कब अप्लीकेबल होगा, कैसे अप्लीकेबल होगा, किसी केस में कैसे क्यों अप्लीकेबल होना चाहिए, उसका क्या बेसिस, उनका ये उनको कोई लेना देना नहीं है कि आपका बेसिस क्या है क्लेम का, आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, उनको कोई लेना देना नहीं है। पर जो सेम मैटर इन इश्यू, जो प्रॉपर्टी है, कुछ भी जो आपका मैटर इन इश्यू वो सेम है दोनों का, वो मैटर करता है उनको। मैटर आपका क्लेम क्या, आपका कॉज ऑफ एक्शन में भी दूसरा हो सकता है, जो दूसरा सूट आपने फाइल किया उसका कॉज ऑफ एक्शन भी दूसरा हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, वेयर द सब्जेक्ट मैटर इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द टू सूट रिमेन द सेम बट रिलीफ वेयर बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन द लेटर सूट शुड बी स्टेड। जो मैटर है दोनों केस में, अभी बताया कि उनका उनका बेसिस क्या डिटरमाइन करेगा कि इस पे ये सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, मैटर इन इश्यू सेम होना चाहिए कि उनका रिलीफ, वो किस रिलीफ क्या क्लेम कर रहे हैं वो मैटर नहीं है, पर मैटर इन इश्यू सेम होना चाहिए। जो चीज पे आपका कंट्रोवर्सी है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए या सब्सटेंशियली सेम होना चाहिए, पर वो किस बेसिस, उनका जो क्या बेसिस है उसे उनको मतलब नहीं है कि उनका कॉज ऑफ, पहले सूट में कॉज ऑफ एक्शन दूसरा हो सकता है, दूसरे सूट में कॉज ऑफ एक्शन दूसरा हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। द ऑर्डर ऑफ स्टेइंग प्रोसीडिंग इज सब्सिक्वेंट सूट कैन बी पास एट एनी स्टेज। मानिए आपकी पहला सब्सिक्वेंट सूट प्रीवियस सूट जो पहले से इंस्टीट्यूटेड है और सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट किया गया, तो जब दोनों चला तो पता नहीं था, पर जब पता आता है, नॉलेज में आता और कोई क्लेम करता है तो वो किसी भी प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे वो रोका जा सकता है, स्टे किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, जो भी है। कोई उनका ये नहीं कि आपको इससे पहले करना है, एडमिशन से पहले करना है या चीज़ों से पहले करना है, नहीं, आप किसी भी स्टेज पे उसे रोक सकते हैं। द डिग्री पास इन कंट्रोवर्सी ऑफ सेक्शन 10 इज नॉट नलिटी एंड देयर फोर कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग। अगर कोई केस प्रीवियसली इसमें सूट भी वहाँ पे है और सब्सिक्वेंट इसमें सूट भी है और किसी को पता ही नहीं है, मतलब ध्यान नहीं है, जज इसका नहीं किया और सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं हुआ, या जानते हुए भी अप्लाई नहीं किया, तो जो जो डिक्री देती है कोर्ट वो बिल्कुल भी नलिटी नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीरो हो जाएगी, वो वैलिड रहेगी और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में वो एप्लीकेबल भी, आप उसे अप्लाई भी कर सकते हैं, कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं एग्जीक्यूशन और डिग्री के लिए, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है, रूल ऑफ प्रोसीजर है तो फॉलो करेंगे तो अच्छा होगा, पर अगर नहीं भी फॉलो किया, इग्नोर कर दिया है, तो अभी जैसे मैंने बताया कि ये रूल ऑफ प्रोसीजर क्या होते हैं, तो प्रोसीजर के कैसे प्रोसीजर रेगुलेट किया जाए, अगर उन्हें आप मोस्ट ऑफ टाइम आपको करना ही चाहिए पर अगर नहीं करते हैं तो वो जो सब्सटेंशियल राइट क्रिएट करता है कोई डिग्री, कोई जजमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट करती है सब कुछ सुनने के बाद, वो नलिटी नहीं हो सकती जस्ट बिकॉज कि एक रूल प्रोसीजर का रूल फॉलो नहीं, उसे नलिटी नहीं कर सकते और उन पे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आप आराम से फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 10 लेज डाउन ए रूल ऑफ प्रोसीजर विच कैन बी वेव्ड बाय द पार्टी। अभी मैं यही कह रही थी कि रूल ऑफ प्रोसीजर है मेयरली रूल ऑफ प्रोसीजर, सिंपल एंड क्लियर, तो पार्टी जो है आपस में मिलके कह सकती है कि हम वेव कर सकते हैं, वेवर ऑफ द ये कह लीजिए कि प्रिविलेज जो भी इसमें है सब्सिक्वेंट, आप वो मिलके कि नहीं ठीक है चलो सब्सिक्वेंट सूट को भी आगे करते हैं, तो वो वेव कर सकती है अपना ये राइट और जो स्टे प्रोसीडिंग है जो नहीं है उसे कंटिन्यू कर सकती है। इफ द पार्टी वेव देयर राइट एंड एक्सप्रेसली आस्क द कोर्ट टू प्रोसीड विद द सब्सिक्वेंट सूट दे कैन नॉट आफ्टरवर्ड चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग। समझ में आया? जब एक बार आपने अपना वेव कर दिया राइट की नहीं सब्सिक्वेंट सूट को आप चालू रखिए कोई दिक्कत नहीं है, और जब डिग्री दे देती है और अगर मानिए कि आपके फेवर में नहीं आता, एक पार्टी के फेवर में नहीं आता, तो जो अब आपने मिलके तो वेव किया है ना, अकेले तो वेव नहीं कर सकती कोई पार्टी, दोनों पार्टी ने मिलके वेव किया, तो आप बाद में फिर चैलेंज नहीं कर सकते उस डिग्री को इस बेसिस पे कि जो प्रोसीडिंग वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग पे नहीं कर सकते कि पहले से एक सूट प्रीवियसली से सूट पेंडिंग था और सब्सिक्वेंटली कैसे रूल ऑफ सब्सिडाइज तो अप्लाई किया ही नहीं आपने, सेक्शन 10 तो यूज किया ही नहीं जबकि आपको करना चाहिए था पर आपने नहीं किया और आपने डिग्री दी, पर बाद में आप ये नहीं कर सकते, आपने एक बार अपने राइट वेव कर दिए तो आप नहीं कर सकते।
कुछ केस लॉज है शेट्टी वर्सेस गिरिधर, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जब सेक्शन 10 एप्लीकेशन में हो तो इनहेरेंट पावर जो सेक्शन 151 में दी है सीपीसी के, जो कोर्ट के इनहेरेंट पावर है कि वो एंड ऑफ द जस्टिस वो कुछ भी कर, जो रूल्स रेगुलेशन नहीं दिए हैं वो अपने मन से भी जो चाहे अप्लाई कर सकती है, पर इन द एंड ऑफ जस्टिस होना चाहिए, फॉर द जस्टिस चाहिए। तो वो ये कहे कि ये जस्टिफाइबल नहीं है कि अगर कोई सेक्शन 10 एप्लीकेबल हो रहा है अपना इनहेरेंट कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज करके सेक्शन 151 यूज करके उसे भी अलाउ करे। इट इज बेटर टू फॉलो वॉट एवर गिवन इज सेक्शन 10 इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इस सेक्शन में ये इस केस में ये कहा गया था। अब दूसरा कोई केस लॉ क्या, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरा लाल, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 डू नॉट बिकम इन एप्लीकेबल ऑन ए कोर्ट होल्डिंग दैट प्रीवियसली द सूट इज ए वैक्सियस सूट और हैव बीन इंजर्टेड इन वॉलेशन ऑफ द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी। सेक्शन 10 जो है वो इन एप्लीकेबल नहीं हो सकता सिर्फ इसलिए कि जो प्रीवियसली जो सूट है आप ये प्रूफ करना चाह रहे थे वैक्सेस है और वो जो पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके वॉल्यूशन में, उनके रूल्स टर्म के वॉल्यूशन में वो सूट फाइल की गई थी, मतलब वो उनका जो बता रहे हैं वो क्लेम कर रहे हैं प्रीवियसली जो सूट में कि ये सूट ही गलत है, वैक्सेस है, जान मुझसे की गई है कोर्ट को परेशान करने के लिए, मुझे परेशान करके रूल्स फॉलो नहीं किए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे, इसके कॉन्ट्रैक्ट पे जो केस फाइल किया था वो उन्होंने रूल नहीं फॉलो किए कॉन्ट्रैक्ट के, इनसे कोई मतलब नहीं है सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूट सूट में ये एप्लीकेबल होगा जब तक मैटर इन इशू सेम है दोनों में, ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा ये सेक्शन सेक्शन 10 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर टू डॉक्ट्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है सीपीसी की, रेस्ट सब्जुडाइज जो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 10 में और रेस्ट जुडिकेटा जो सेक्शन 11 में है, ये दो प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में आते, या तो रेसिडाइज के बारे में बताइए या तो रेजुडिकेटा के बताइए या दोनों कंपेरिजन लिखिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा आपका वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।